हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी छात्र इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं इस वीडियो में साइंस का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा। आपका पेपर 17 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है, 17 फरवरी से, इसलिए आप अंतिम में इस वीडियो को जरूर देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इससे हम एक क्वेश्चन से कुछ और फैक्ट बताएंगे जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। एवं चैनल पर जो भी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें जिससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सब बिहार बोर्ड आपको पूछ चुका है, रिपीट हो सकता है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम आपको अक्रिय तत्व है, अक्रिय कहिए निष्क्रिय कहिए। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? तो ध्यान दीजिए, जल का सूत्र होता है H2O, तो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक परमाणु, मतलब 2:1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, अगर वर्ग पूछता तो आपका 18। ये यहाँ से आपको ये दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा। आवर्त पूछेगा 7 और आपको वर्ग पूछेगा तो आपका 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलिका क्या है? तो सिलिका आपका उपधातु है। नेक्स्ट है, ओ एच का क्रियाशील मूलक कौन है? तो ओ एच क्या है आपका एल्कोहल, और सी ओ एच रहता तो आपका क्या हो जाता एल्डिहाइड, सी डबल ओ एच रहता तो आपका क्या हो जाता कार्बोक्सिलिक अम्ल, और सी ओ रहता तो क्या हो जाता आपका कीटोन। आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आप देख सकते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है, पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ATP रहना चाहिए, ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में आपका 4 कोष्ठ होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है? तो 120 mmHg। नेक्स्ट है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन आपका पत्ता में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वृक्ष किन अपशिष्ट उत्पादों से को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विखंडन। नेक्स्ट है, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? तो अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। ये इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव बैंगनी का होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पर आपका कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? तो हम लोग जानते हैं भी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ओम का नियम, IR, तो R बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा V/I। तो आपका ऑप्शन नंबर सही देख लीजिए, ये आपका गलत हो गया, R/I/V, ये भी गलत है, तो V/I यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती DC/AC दोनों प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर आपको गंदा जल में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोबर गैस। नेक्स्ट है आपका, सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे कठोर तत्व आपका हीरा है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? तो गंदा जल में, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डार्विन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? तो इष्ट में, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम, याद रखिएगा एसआई मात्रक से आपको क्वेश्चन आएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक आपको वोल्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक
ओम मीटर, काज कैसा है मतलब जूल। नेक्स्ट है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो देखिए 1 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 ओम, 2 1 3, और आपका 6 वोल्ट बैटरी है, तो मतलब भी कितना हो जाएगा, भी आपका 6 वोल्ट और आर हो जाएगा आपका 2 1 3 ओम। तो क्या पूछ रहा है, धारा, तो भी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आर, भी आपका कितना है 6, आर कितना 3, 3 दुना 6, मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट है, ओम के नियम का गणितीय रूप है, तो ओम का नियम का क्या होता है, नियम होता है भी बराबर आई आर, तो देखिए आई बराबर भी आर, ये गलत है, यहाँ से आई का निकाल कर देखिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए भी बटा आर, भी बटा आर, देखिए ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, देखिए बहुत बार रिपीट हो चुका है, गंदा जल। नेक्स्ट है, ओजोन परत पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, आपका क्वेश्चन देखिए ऑक्सीजन, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन का सूत्र होता है O3, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आवर्त सारणी में आपको वर्ग, यहाँ ऑप्शन आपका इधर है, ये 18 रहना चाहिए, आवर्त सारणी में आपका 18 वर्ग होता है और आवर्त की संख्या आपका 7 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व आपका हीलियम है। नेक्स्ट है, क्लोरीन की संयुक्तता क्या है, तो क्लोरीन की संयुक्तता आपका 1 होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो फ्लोएम भोजन का संवाहक होता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक तत्व द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, एफ बराबर होता है 1/P, तो ये होगा 1/2, ये आपका मीटर में, अगर 100 से गुना कर देंगे तो आपका सेंटीमीटर में कट जाएगा, कितना जाएगा 50, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा कहता है, निकट को हम लोग अवतल लेंस द्वारा दूर करते हैं और दूर दृष्टि रहेगा तो आपको उत्तल लेंस, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। नेक्स्ट है, किस बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ वस्तु को सामने कहाँ रखें, तो वक्ता केंद्र पर अगर वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपको वास्तविक और समान बनता है, बराबर बनता है। समान दृष्टि के लिए व्यस्त के स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, ये आपको रिपीट हो सकता है प्रश्न। लोहे की परमाणु संख्या आपका 26, आप याद रखिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, सोडियम का 11, क्लोरीन का 17, ये सब आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, उसका पीएच मान होगा, इसका भी ऑप्शन थोड़ा सा इरर है, आप देख सकते हैं, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है मतलब वो भस्म होगा, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो यहाँ आप कर दीजिए इसको नीला और इसको कर दीजिए लाल, यानी कोई बिलियन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तब आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही आंसर सी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 18। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, CHO है तो एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग पी का शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक होता है VI, एक होता है I² R और एक होता है V² / R, तो आप इसमें देख सकते हैं I² R ये सही है, VI सही है, V² / R सही है, ये आपका गलत है, तो नहीं पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा का बी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उस गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। नेक्स्ट है,
एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सूत्र C2H6, तो सी आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, C2H6 हो गया, इसमें हाइड्रोजन तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सहसंयोजक बंधन, आपका ऑप्शन नंबर बी। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ओजोन O3, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो दो तंत्रिका का कोशिका के मध्य खाली स्थान को आपको सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राकोष में होते हैं, तो आपका सही हो जाएगा पराकण। नेक्स्ट है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसके अधिक समानता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंपैंजी के। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ईस्ट में। नेक्स्ट है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है आपको सोचने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय गर्भाशय अंडीय मानव मादा जनन का शुक्रवाहिका मानव जनन तंत्र नहीं, तो आपका 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 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है पराकोष में होते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पराकण। नेक्स्ट है घोगा किस समुदाय का प्राणी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोलस्का। नेक्स्ट है उरहुल किस प्रकार का फूल है, तो ये द्विलिंगी फूल है। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नेक्स्ट है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। नेक्स्ट है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो पी बराबर होता है 1/f, तो 1/f1, तो ये 1 डायोप्टर। अब उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में होती है, तो यानी +1d, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या था, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, तो 1:3, आपका ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है कार्बन क्या है, तो कार्बन आपका अधातु है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। नेक्स्ट है 12 वोल्ट विभवांतर का दिन दो बिंदुओं का आर पार 2 कूलम आवेश पार करने में विद्युत कार्य करना पड़ेगा, तो देखिए W/ फॉर्मूला होता है Q×V, तो Q कितना है 2 कूलम और V कितना है 12, तो Q×V करेंगे 12 × 24 जूल, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं 10 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलित प्रतिरोध कितना, श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ देंगे, यानी 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका 30 ओम, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं। देखिए P बराबर फार्मूला होता है VI, एक फार्मूला होता है I²R और एक फार्मूला होता है V²R, तो हमको P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R पूछ रहा है, तो ये फार्मूला हम लगाए, तो हम लगाएंगे P बराबर क्या V²R, तो R बराबर हो जाएगा V²P। ध्यान दीजिए V कितना है 220 × 220 × 220 / 100, ये कट जाएगा, तो 22 × 22 = 484 वोल्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मा का उपयोग किस दिन करते हैं, तो गर्म वाले दिन में। नेक्स्ट है N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, तो N2 में ध्यान दीजिएगा N2 N BBB N मतलब 3, आपका ऑप्शन नंबर सही। O2 पूछता तो डबल, H2 पूछता तो सिंगल। नेक्स्ट है बेंजीन का अणुसूत्र होता है, तो C6H6, ये आपका रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है, तो आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। नेक्स्ट है पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस लिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल के वहन के लिए, वहन के लिए जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं संगम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल एनियन अम्ल। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे, तो आपको जल से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से के कारण रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से आपको घेघा रोग उत्पन्न होता है, सॉरी आयोडीन की कमी से घेघा रोग, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश में
किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है आपका लाल का, और विचलन कम होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक आपका वाट हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु आवश्यक है, तो क्या है आपका सही आंसर? आपका नंबर सी, यूरेनियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। नेक्स्ट है, लिटमस लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो आपका लाइकेन से निकाला जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तो निम्न में से कौन सा बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा NaHCO3। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया मिश्रण में Cl और CN3 का अनुपात क्या होता है? 1:3, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन आपका सही आंसर हो जाएगा अमीबा में। नेक्स्ट है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुंकेसर। नेक्स्ट है, अंडाणु निषेचित होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिलोपियन नलिका। नेक्स्ट है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, V/U। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वर्का त्रिज्या में क्या संबंध है? एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट है, एक विलियन बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका pH मान है, तो लाल को नीला करता है मतलब वो भस्म होगा, तो भस्म का pH मान 7 से अधिक, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन युग्म समावयवी है? तो इसमें देख लीजिए, संरचना सूत्र किसका सेम है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी का सेम है। देखिए, कार्बन 2 तो इसमें भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 तो इसमें भी हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन 1, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कार्बन 1 अधातु, आपका ऑप्शन नंबर बी। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो आपका एथेनॉल अल्कोहल परिवार का है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुक्राणु, नेक्स्ट है, शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु आपका सही आंसर हो जाएगा व्यसन में। नेक्स्ट है, ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? तो वृक्क आपका उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट है, सही आहार श्रृंखला है, तो सही आहार श्रृंखला आपका ऑप्शन नंबर डी, घास, हिरण और शेर। नेक्स्ट है, पक्षी और चमगादड़, चमगादड़ के पंख है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए, आपका आभासी सीधा तो ये आपका होना चाहिए दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच में। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस ये आपका होता है, देखिए बीच में मोटा, किनारे पर पतला, तो कहता है सभी जगह समान मोटाई का, ये गलत। बीच की देख सकते हैं, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये आपका गलत है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि पटल, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। फिर है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाट। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करने पर इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या, भी आई, तो पी आपका कितना है 100 वाट और भी कितना है 220 वोल्ट, तो यहाँ से आई निकाल लेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा पी, पी कितना 100/220, और फिर इसमें कहता है कि 110 आई निकल गया, 110 वोल्ट पर प्रचलित करने पर इसे उपयोग शक्ति कहता है, फिर निकालिए पी बराबर भी आई, दूसरा पी, तो पी कितना, ए भी कितना है 110 गुने आई कितना निकल गया, तो 100/220, इसको काट देंगे दो मरतब में और 2 से 50, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 50, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा संयोजक यौगिक कहता है? आपका CH4। लोहा को जिंक से लेपित करने के प्रयोग क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवासनीय तत्वों का वर्गीकरण आधार का आधार क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, श्वसी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी, तो इनमें से आपका सभी आंसर रहेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।